Good morning students, I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the science of the 8th standard. This is chapter number 9. Open your books, page number 157. Today we will do the MCQs and other exercise of the chapter. Number 1, question number 1, choose the important and most appropriate answer. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्स्ट नंबर है इन फीमेल बॉडी. नंबर 2, अ टैडपॉल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. नंबर 3 है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जायगोट इज नन. ओके, नाउ चेंज योर पेज. Indicate whether the following statements are true or false. Oviparous animals give birth to young one. Oviparous जो होते हैं वो young one को birth देते हैं. हाँ, गलत. Each second है आपका each sperm is a single cell. तो ये आपका बिल्कुल सही है. थर्ड है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग. दिस इज द रॉन्ग. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो दिस इज द राइट. नेक्स्ट है आपका अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट. दैट इज द रॉन्ग. नंबर 4 है एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. फोर्थ नंबर आपका राइट है. नेक्स्ट आ जाइए अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. दैट इज रॉन्ग. फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट इज आल्सो रॉन्ग. एच पे आइए बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिल्कुल सही है आपका, राइट. आई पे आ जाइए आप. अ जायगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो जाइगॉट बनता है, बिल्कुल सही है. एन एम्ब्रियो इज अ मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. सही है. लास्ट है आपका अ जाइगॉट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. बिल्कुल सही है. एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. एम्ब्रियो जो सिंगल सेल का होता है, नहीं, बिल्कुल गलत. नाउ ये हो गया आपका. देन कम टू द पेज नंबर 159 पे आ जाइए आपका. फर्स्ट क्वेश्चन है द मेल गैमेट इज. मेल गैमेट कौन सा होता है आपका? स्पर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इसका आंसर आ जाएगा ह्यूमन, बिकॉज यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वन आर कॉल्ड विवीपेरस. ओके, नाउ कम टू द 156 पेज. टैडपॉल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ किसका है? फ्रॉग का. द ड्रेगेस्टिक चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म्स अ लार्वा इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओविपेरस एनिमल. इसका आएगा आपका काउ. हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. ओके, नाउ वी विल कम टू द फिलप्स. फिलप्स पे आ जाइए आप. इन फर्स्ट क्वेश्चन है इन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर. तो फीमेल और फीमेल गैमेट में क्या आ जाएगा आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या आ जाएगा आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट नंबर. सेकंड है इज नोन एज मेल गैमेट. उसका लिखिए आप स्पर्म. स्पर्म इज नोन एज फीमेल गैमेट. नंबर थर्ड है फीमेल गैमेट इज. उसका लिखिए ओवा, ओ वी ए. फोर्थ है आपका फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एफ ई आर टी आई एल आई जेड ए टी आई एन. फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो कॉल्ड. फर्टिलाइज एग को हम क्या कहते हैं? जायगॉट, जेड वाई जी ओ टी ई. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड विवीपेरस, वी आई
PAROUS. Okay. Now come to the page number 161 पे आ जाइए. State whether the statements given below are true or false. Ova is the male gamete. No, wrong. Sperms are mobile. Right. Human beings are viviparous. Right. Frog is a oviparous animal. Right. Internal fertilization occurs in human, cow and dogs. Right. Fertilized eggs is also known as the foetus. Right. Now come to the matchmaking. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मुर्गी में माने नंबर वन हैन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फ्रॉग में. मेल गैमेट, मेल गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म. फीमेल गैमेट, ओवम. नाउ नेक्स्ट टू द बडिंग. बडिंग किस में होती है? हाइड्रा के अंदर. बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन किस में होता है? अमीबा में. और जाइगोट, जाइगोट आएगा आपका फर्टिलाइज्ड एग. ओके नेक्स्ट. हु एम आई? आई एम ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. मैं एक ऐसा फर्टिलाइजेशन हूँ जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता हूँ. दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन. I am a type of reproduction in which only a single cell, single parent is involved. ऐसा reproduction हूँ जिसमें केवल एक parent की ज़रूरत होती है. That is the asexual reproduction. Okay? This is the asexual reproduction. Now we have completed the exercise of chapter number 8. Thank you.